नमस्कार, आप देख रहे हैं देश का सवाल। और इस वक्त देश को मिली है नई सरकार, नए प्रधानमंत्री, तीसरी बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तीसरे कार्यकाल के लिए 71 मंत्रियों की फौज तैयार है, यानी सुपर 72। प्रधानमंत्री को मिला के सुपर 72 अब कर्तव्य पथ पर बढ़ने के लिए पूरे तरीके से तैयार है। माना जा रहा है कि मोदी कैबिनेट की पहली बैठक में मंत्रियों को पोर्टफोलियो, मंत्रालय का बंटवारा कर दिया जाएगा। पीएम ने अपने तीसरे कार्यकाल के 30 कैबिनेट मंत्री, 5 इंडिपेंडेंट, 36 राज्य मंत्री शामिल किए हैं। 43 मंत्री ऐसे हैं जो कम से कम 3 बार सांसद रह चुके हैं। 39 मंत्री ऐसे हैं जो मोदी सरकार में पहले भी काम कर चुके हैं। 6 मंत्री ऐसे हैं जो पहले मुख्यमंत्री रह चुके हैं। जबकि महिलाओं को भी कैबिनेट में जगह दी गई है। तो इस कैबिनेट में नजर डाले तो उन राज्यों पर भी फोकस है जहां हाल ही में विधानसभा चुनाव हो रहा है। कैबिनेट में सोशल इंजीनियरिंग, कास्ट फैक्टर को ध्यान में रखा गया है। सुपर 72 के सामने वैसे तो बड़ी चुनौतियां हैं, सरकार गठबंधन के साथ चलेगी, लेकिन सब कुछ निर्भर करता है किस तरीके से सरकार फैसले लेती है। इस बार भी सरकार क्या तेजी से खटाखट जो है वो फैसले लेती है, या फिर सरकार के फैसले में थोड़ी सी ठहराव आता है, सबको मिल करके चलना होता है। तो ऐसे में आज देश का सवाल इन बड़े सवालों के साथ। कर्तव्य पथ पर टी मोदी के सामने कितनी बड़ी चुनौतियां हैं। दूसरा, गठबंधन वाली सरकार मोदी फैसला लेंगे क्या। तीसरी, विकास की रफ्तार के लिए कैसी होगी कैबिनेट, जो कि किसी भी वक्त शुरू होने वाली है। कैबिनेट की बैठक होगी, कैबिनेट की बैठक में पोर्टफोलियो से पता लगेगा कि आखिरकार क्या निकल के आता है, और सुपर 72 से विकास की गति कैसे तेज होगी। दोस्तों, 10 साल पहले हमारे देश में एक छवि बनी हुई थी कि पीएमओ एक शक्ति का केंद्र है, एक बहुत बड़ा पावर सेंटर है, और मैं न सत्ता के लिए पैदा हुआ हूं, न मैं शक्ति अर्जित करने के लिए सोचता हूं। मेरे लिए पीएमओ सत्ता केंद्र बने, पीएमओ शक्ति केंद्र बने, ये न मेरी इच्छा है, न मेरा वो रास्ता है। और इसलिए 2014 से हमने जो कदम उठाए, आपने मार्क किया होगा, और पहले जो पीएमओ में रहे होंगे उनसे पूछ लेना, हमने इसको एक कैटलिक एजेंट के रूप में ही डेवलप करने की कोशिश की है। वो कैटलिक एजेंट के यहां से ऊर्जा प्रसारित होती रहे, यहां से नई नई चेतना प्रसारित होती रहे, जो पूरे तंत्र के अंदर एक प्रकार से विद्युत की तरह नई चमक दे, नई रोशनी दे, नई सामर्थ्य दे। और मेरी कोशिश रही है कि पीएमओ ये सेवा का अधिष्ठान होना चाहिए, पीएमओ ये पीपल्स पीएमओ होना चाहिए, ये मोदी पीएमओ नहीं हो सकता है। और इसलिए मेरे दिल दिमाग में सिवाय 140 करोड़ कोई नहीं, और मेरे लिए 140 करोड़ नागरिक नहीं है, मेरे लिए 140 करोड़ परमात्मा का रूप है। और जब मैं सरकार में बैठकर के कोई निर्णय करता हूं तो मैं सोच रहा हूं कि मैंने आज 140 करोड़ देशवासियों को इस रूप में मैंने पूजा की है, और उनके चरणों में मैंने इस योजना के रूप में एक पुष्प चढ़ाया है, उस भाव से मैं काम करता हूं। तो आज पीएम ने कार्यभार संभाला है और ये संबोधित कर रहे थे, उस वक्त एड्रेस कर रहे थे जो पीएमओ के जो स्टाफ हैं उनको। इस वक्त की बड़ी खबर मैंने आपको जैसे पहले भी बताया था, थोड़ी देर में कैबिनेट की बैठक शुरू होने वाली है। आप सबकी नजर इसी कैबिनेट की पहली बैठक पर होगी। 71 मंत्री और पीएम, सुपर 72 की एक कैबिनेट बैठक है। पोर्टफोलियो बंटवारे पर बड़ा फैसला हो सकता है, तमाम बड़े फैसले हो सकते हैं। क्या पहला, क्योंकि हमने देखा है कि सबसे पहला जो लाभ, जो सबसे पहला फैसला हुआ है वो किसान के हित में हुआ है। किसान निधि किश्त जो है वो जारी की गई है। महिमा हमारे साथ मौजूद हैं। महिमा, क्या कुछ इस वक्त निकल कर के आ रहा है, क्या जिन्होंने कल शपथ ली है कैबिनेट मंत्री एमओएस तमाम, वो पहुंच चुके हैं, पहुंच रहे हैं?
सचिन देखिए, अभी हम इस समय पीएम आवास के बाहर मौजूद हैं। गृह मंत्री अमित शाह यहाँ पर मौजूद हैं, साथ ही साथ राजनाथ सिंह यहाँ पर मौजूद हैं, निर्मला सीतारमन यहाँ पर मौजूद हैं, जेपी नड्डा यहाँ पर मौजूद हैं। हम आपको साथ ही साथ विजुअल्स दिखाते रहेंगे, क्योंकि आप जिस तरीके से बता रहे थे कि कई इंपॉर्टेंट ऐसे डिसीजंस हैं जो आज लिए जाएंगे। हालांकि ये पहली बार होगा कि थर्ड टर्म में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए हैं। अभी तक पोर्टफोलियोज जो हैं, जितने एमपीज जो हैं वो चुन के आए थे, उन्होंने अभी तक पोर्टफोलियोज है वो नहीं लिया। हालांकि शपथ ग्रहण समारोह हम सभी ने देखा, लेकिन जिस तरीके से आपने बताया कि सबसे बड़ा डिसीजन आज, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कारोबार संभाला, उसके बाद जो सबसे बड़ा डिसीजन लिया गया वो ये था कि किसान निधि की 17th इंस्टॉलमेंट जो है वो दी गई है, जिसमें 20,000 करोड़ रुपए जो है वो दिए जाएंगे, और साथ ही साथ 9.3 करोड़ फार्मर्स को इसका फायदा यानी लाभ मिलेगा। अब साथ ही साथ क्या कुछ इंपॉर्टेंट डिसीजन यहां पर सचिन हो जाते हैं, इंपॉर्टेंट डिसीजंस में आते हैं कि किस तरीके से यहां पर, क्योंकि आपको याद होगा जब इंटरिम बजट निर्मला सीतारमन ने पेश किया था, तो उसमें ये बात उठी थी कि 2000 करोड़ घर बनाने की बात उठी थी प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत, तो उस पर जो डिस्कशन है वो आज यहां पर होगा। साथ ही साथ बेनिफिशियरीज की अगर हम बात करते हैं, उनको किस तरीके से ज्यादा लाभ पहुंचाया जाए उसके बारे में डिस्कशन होगा। हालांकि शुरुआत तो बहुत अच्छी हुई थी किसान के वेलफेयर से, क्योंकि प्रधानमंत्री ने आज फर्स्ट फाइल साइन की थी वो किसान निधि को लेकर की थी। साथ ही साथ हम आपको विजुअल्स दिखाते रहेंगे कि कार्केट जो है वो यहां पर, आपके पास आते रहेंगे और लगातार हम देते रहेंगे। पीएम ने स्पष्ट कर दिया, जैसा कि पीएम पहले भी कहते रहे हैं, कि किस तरीके से चार ही जातियां जो है वो इनके लिए इंपॉर्टेंट है, और भले वो पहले हमने देखा है मोदी की पहले सरकार, मोदी 2.0 और मोदी 3.0 भी हो, गरीब हो, युवा हो, महिला हो, किसान हो, आज किसान के लिए 17वीं किश्त जारी की गई। महिमा बहुत बहुत शुक्रिया, आपके पास आते रहेंगे। नई सरकार का गठन के बाद पीएम मोदी ने अपना कार्यभार संभाला, इसके बाद मोदी कैबिनेट के प्रमुख चेहरे जी किशन रेड्डी ने इंडिया न्यूज से खास बात की।